गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग विथ अवर चैप्टर नंबर 18, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। ओके, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन इज प्राइस राइज इज बेनिफिशियल एज वेल एज hindrance in the economic development. Explain. Okay, so price rise is beneficial as well as hindrance in the economic development. So what is the argument and what will be the counter argument for this hindrance? So we have already discussed in previous video. ओके, सो प्राइस राइज बेनिफिशियल क्यों है? हिंड्रेंस मीन्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकता कैसे है, वो दोनों हमको समझाना है। तो फर्स्ट, प्राइस राइज बेनिफिशियल क्यों है? तो क्या है कि जैसे प्राइस है वो इंक्रीज होगी, ओके, तो क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है, ओके, वेन एवर प्राइस विल इंक्रीज देन द प्रोड्यूसर इज एनकरेज टू प्रोड्यूस द मोर अमाउंट ऑफ गुड्स। जैसे प्राइस राइज होगी तो प्रोड्यूसर है वो गुड्स को क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, अदर साइड क्या होता है कि जैसे प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? लेबर और रॉ मटेरियल। ओके, क्या चाहिए उसके लिए? लेबर और रॉ मटेरियल। तो जो ये दोनों थिंग्स है, ओके, उसकी भी प्राइस इंक्रीज होगी। मीन्स कि सपोज पहले वो लेबर को 100 रुपीज पे करता होगा तो अभी उसको 200-300 रुपीज पे करेगा। तो लेबर है उसकी क्या होगी? परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, परचेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। सामने जो रॉ मटेरियल है उसकी भी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। इसलिए क्या होगा कि इकोनॉमी में क्या होगा कि डेवलपमेंट चलता रहेगा। मीन्स कि जो साइकिल होती है डेवलपमेंट की, ऐसे वो कंटिन्यूसली क्या है, इंक्रीज होती रहेगी। ये है बेनिफिट। तो हिंड्रेंस कैसे हुआ कि सपोज प्राइस राइज हम किसे बोलते हैं? कि कोई भी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी में सडन इंक्रीज होना प्राइस का। ओके, कोई भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी में सडन इंक्रीज देखने को मिले प्राइस का, उसे क्या बोलते हैं हम? प्राइस राइज। ओके, तो जैसे ही प्राइस राइज सडन इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि जो डिमांड है, ओके, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। ओके, जैसे डिमांड इंक्रीज होगी तो सामने उस सप्लाई होगी नहीं, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लेशन। ओके, और ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। ओके, इससे इन्फ्लेशन से क्या होगा कि लोगों की जो सोशल लाइफ है वो डायरेक्टली इफेक्ट होगी। ये सब हमने अच्छे से प्रीवियस वीडियो में देखा था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड प्राइस राइज? ओके, रीजन क्या थे? तो फर्स्ट हमने क्या देखा था कि इंक्रीज इन मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मीन्स व्हाट? CRR, SLR, ओके, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओके, मार्जिन एंड स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो ये सब थिंग्स है, ओके, वो मॉनेटरी वैल्यू में आती है। और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन इससे ही कंट्रोल करती है। ओके, पूछे कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन किसे कंट्रोल करती है, तो ये सब थिंग्स से गवर्नमेंट अपना जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल करती है। ओके, तो फंडा क्या है उसके पीछे? तो ये है कि सपोज मार्केट में क्या है कि ग्रोथ साइकिल चल रही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट है। ओके, मीन्स उसको क्या पीरियड बोलते हैं? बूम पीरियड। टू टाइप की होती है, बूम एंड बर्स्ट पीरियड। ओके, बर्स्ट मीन्स इकोनॉमी है वो
ग्रोथ नहीं है, बूम मीन इकोनॉमी ग्रोथ में चल रही है। तो सपोज इकोनॉमी बस्ट पीरियड में होगी, ओके, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? और सिंपली इसको बोलो तो इसको इन्फ्लेशन बोल सकते हो, इसको डिफ्लेशन। ओके, तो जब भी इन्फ्लेशन में होगी इकोनॉमी तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो लोन है, मीन्स कि आरबीआई करेगी, आरबीआई है वो क्या करेगी, अपना सीआरआर और एसएलआर रेशियो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जो जब ये इंक्रीज करेगी तो जो लोन है, लोन की जो अमाउंट है बैंक को अपने देने के लिए वो है वो कम हो जाएगी, और इसीलिए जो लोन जो इंटरेस्ट परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होगा। जबकि डिफ्लेशन में इससे गवर्नमेंट उल्टा करेगी, इससे क्या होगा, प्राइस रेज है वो इंक्रीज होता है मोस्टली इस कंडीशन बूम में, इसमें। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ इसमें 1.9% दिया है, लेकिन अभी है वो 2.1% से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, जो कि बहुत ही बिगर प्रॉब्लम है। इससे क्या इफेक्ट होती है कि सडन क्या देखने को मिलता है, डिमांड देखने को मिलती है, सामने उसकी सप्लाई होती है, नहीं तो प्राइस रेस देखने को मिलता है। ओके, और भी कई सारे फैक्टर्स है, जैसे होर्डिंग, प्रॉफिटरी, ब्लैक मनी का यूज़ करना, ओके, गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट करती है थिंग्स का, वो सब हमने देखा था, अब इजीली उसको रीड कर लेना एक बार, ओके, बहुत इजी है। नेक्स्ट, व्हाई प्राइस शुड बी कंट्रोल्ड, ओके, प्राइस कंट्रोल में रहना क्यों ज़रूरी है, ओके, तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। तो कंटिन्यूस प्राइज राइज कॉजेज मैसिव फार रीचिंग एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल। ओके, कंटिन्यूस प्राइज राइज होती है तो उससे क्या होता है कि सोशल लाइफ पे और इकोनॉमी दोनों पे इफेक्ट होती है। ओके, टू अवॉइड दिस इफेक्ट्स द नीड ऑफ प्राइस कंट्रोल हैज अ राइजन। ओके, ये इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए प्राइस राइज है वो जरूरी है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। ओके, उसकी वी विल अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस राइज एज फॉलो। उसकी इफेक्ट क्या होती है तो वो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट, देखो, तो विशियस सर्कल ऑफ प्राइस राइज कीप्स ऑन मूविंग कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन परचेसिंग पावर, इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस लीव्स ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल बिकम मिजरेबल। ओके, क्या देखा था हमने, प्राइस कंट्रोल में नहीं होगा तो क्या होगा कि जो प्राइस है वो बहुत इंक्रीज हो गई। सपोज ओनियन है हमारे सामने, बेस्ट एग्जाम्पल ओनियन, ओनियन की प्राइस है सपोज 30-40 रुपीज़ तक, ठीक है, लेकिन सपोज 80-100 हो जाए तो पेट्रोल से भी ज़्यादा दाम हो गए उसके। ओके, तो 80-100 है, उसमें क्या होगा कि उसकी जो प्राइस है वो सडन इंक्रीज हो गई है। ओके, सडन इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ अ प्रॉफिटरिंग एंड होल्डिंग एंड अदर थिंग्स। ओके, तो इसी टाइम में क्या होगा कि जो ऑनियन है वो ज़्यादा लोग प्रोडक्शन करेंगे उसका। ओके, जो उन लोगों ने आर्टिफिशियली प्राइस रेज किया है वो सब अभी मार्केट में निकालेंगे अपना ओनियन। ओके, तो इससे क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा, फर्स्ट इंक्रीज इन प्रॉफिट इंक्रीज, उसकी इनकम इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर उसका इंक्रीज होगा। तो ये सब किसके लिए है, अपर क्लास, जो कि बहुत ही पैसे वाले ले, और ये डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगा, पुअर और मिडिल क्लास पीपल को। ओके, फर्स्ट रीजन बहुत ही सिंपल है। सेकंड, रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज। ओके, जो सेविंग्स और जो भी कैपिटल इनकम है वो प्राइस इससे डिक्रीज हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइस राइज। ओके, जो भी प्रोडक्शन है कैपिटल जनरेशन का, जो इनकम है, ओके, वो तो उतनी रहेगी, लेकिन जो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। सबको पता है कि 80 रुपीज़ में ऑनियन आप और लो और 20 रुपीज़ में लो, दोनों में क्वांटिटी सेम ही होती है, लेकिन आपको पहले वो 20 रुपीज़ देते थे, उसकी जगह पे भी आपको 80 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। ओके, तो इसीलिए क्या लिखा है कि कैपिटल जनरेशन डिक्रीजेस हियर। ओके, एंड प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी कॉमोडिटीज डिक्रीजेस, न्यू बिजनेस इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट स्टॉप्स, वेरी इजी रीजन। थर्ड,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, ओके, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई मच इन्फ्लेशन. सो ये लोग क्या बिलीव करेंगे कि कभी भी जो मार्केट है वो टूट सकता है, तो हम क्यों वहाँ पे फॉरेन लोग सोचते हैं हम क्यों वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंड, विच गिव्स राइज टू अ न्यू प्रॉब्लम. बिकॉज वेन एवर वी इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, सो वी हैव टू पे दैम इन अ फॉरेन करेंसी. ओके, सो अवर फॉरेन एक्सचेंज इज स्पेंड, विच गिव्स अ न्यू सेट्स ऑफ प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीज, सो स्कैरसिटी इज क्रिएटेड. वंस अगेन प्राइस राइज विल डेवलप द स्कैरसिटी बिकॉज ऑफ अ नॉट प्रोड्यूसिंग अ नेसेसरी गुड. लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल डिट्रियोरेट्स, द पुअर बिकम पुअर. ओके, जो लिविंग स्टैंडर्ड है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिट्रॉयट्स मीन्स कि कम होता जाएगा और पुअर गरीब है वो और गरीब बनता जाएगा. नेक्स्ट, एज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज इन द कंट्री, दे बिकम एक्सपेंसिव, सो द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड इंक्रीज. ओके, वॉट एवर अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्शन विच इज डन इन अवर कंट्री, ओके, सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइज, सो देर कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑल्सो इंक्रीज एंड दे बिकम वेरी एक्सपेंसिव. सो ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड इट ऑल्सो इंक्रीज. ओके, वेरी इजी है कि सपोज आपने 100 रुपये में कोई थिंग्स है वो बनाई, प्रोडक्शन किया और आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस पर क्या लगेगी, इम्पोर्ट ड्यूटी. ओके, सो ये प्रोडक्ट है 150 का जाएगा, सो इनडायरेक्टली है वो एक्सपोर्ट को भी इफेक्ट करता है. कंपेरेटिवली इम्पोर्टेड गुड्स बिकम चीप इन द मार्केट, एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट डिक्रीज, हमारा एक्सपोर्ट है डिक्रीज होगा, इम्पोर्ट इंक्रीज होगा, बैलेंस ऑफ एक्सचेंज है वो भी डिस्टर्ब होगा, इम्बेलेंस इज क्रिएटेड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. नेक्स्ट, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर और मिडिल क्लास डिट्रियोरेट्स बिकॉज ऑफ अ प्राइस राइज, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट, इमोरल एक्टिविटी लाइक थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, क्राइम, बेटिंग, होर्डिंग, प्रॉफिटरिंग, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, सुसाइड इंक्रीज इन द सोसाइटी. ओके, मॉरल डिग्रेडेशन अकर्स इन अ सोसाइटी. सो दिस सिक्स रीजन हेल्प टू अंडरस्टैंड वाई प्राइज राइज शुड बी कंट्रोल्ड. ओके, फर्स्ट क्या लिखा है कि प्राइस है तो जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, लेकिन ये किसकी बात कर रहे हैं, अपर क्लास की. ओके, और ये डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगा, पुअर और मिडिल क्लास पीपल को. ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्राइस राइज. फर्स्ट इज मॉनिटरी और सेकंड इज अ फिजल. ओके, फिजल पॉलिसी और फिजल मेजर मीन्स टैक्स और टैक्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है. क्या बोलते हैं, फिजल पॉलिसी और फिजल मेजर्स. दिस फिजल मेजर्स इंक्लूड डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, एंड दिस मॉनिटरी मेजर्स वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड द टूल्स ऑफ अ गवर्नमेंट, विच इंक्लूड्स टूल्स ऑफ अ गवर्नमेंट मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ अ RBI, विच इज अ क्वालिटेटिव एज वेल एज अ क्वांटिटेटिव टूल्स. ओके, Whenever in an economy, government find that there is a shortage of a supply and which leads to a price rise, then government or RBI use a monetary measures as well as fiscal measures to control
प्राइस राइज. फर्स्ट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस इज द मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी. एज अ रिजल्ट अ लीस इज इम्पोज ऑन द स्पेंडिंग टेंडेंसी टू पीपल, देर बाय रिड्यूसिंग द डिमांड ऑफ गुड्स विच इन टर्न लीड्स टू रिडक्शन इन प्राइस. ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं कि सपोज आरबीआई है, वो क्या करेगी, मनी सर्कुलेशन रिड्यूस करेगी. कैसे? सपोज कि सीआरआर और एसएलआर दो मेन टूल्स है गवर्नमेंट का. ओके, आरबीआई का सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ओके, इसका परसेंटेज होता है 4%, इसका है 18% अभी. ओके, तो टोटल सपोज 100 करोड़ रुपीस है कोई स्टेट बैंक के पास, एसबीआई के पास, तो उसका 4% मींस 4 करोड़ रुपीस है वो उसको किसको सबमिट करने होते हैं, आरबीआई को. ओके, रिजर्वेशन के रूप में इतने 4 करोड़ रुपीस उसको रखने होते हैं, 4%. सपोज एसएलआर है वो कोई भी बैंक को अपने पास रखना होता है. एसएलआर में कितना है, 18%. सपोज कोई बैंक के पास 100 करोड़ है तो उसका 18% 80 करोड़ रुपीस उसको बैंक को अपने पास रखना है. ओके, सो इसका कुछ परसेंटेज फिक्स होता है. ओके, सपोज गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि आरबीआई को कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो वो क्या करेंगे कि जो ये 4% है उससे बोल देंगे 6%, ये 18 है उससे क्या बोलेंगे कि 20% 25%. ओके, तो 84 मीन्स कि 22 करोड़ रुपीस जो पहले थे, ओके, इसमें 100 में से आप उसको रिड्यूस करो तो 78 होता है, तो ये 78 करोड़ ही ओनली क्या उसको लोन दे सकते थे गवर्नमेंट आरबीआई. सपोज बोल लो कि एसबीआई है वो ओनली 78 करोड़ रुपीस ही लोन दे सकती थी. ओके, वो भी गवर्नमेंट आरबीआई बोलेगी कि कितना इंटरेस्ट, 6-7% पे. ओके, ये पहले की बात थी जब 4% और 18% था, अभी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया 6 और 20-21%, तो हार्डली उसके पास 70 करोड़ रुपीस रह गए, और उसमें भी गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगी, तो जो लोग है वो पहले लोन लेते थे वो भी लोन लेंगे नहीं. इससे क्या होगा कि उसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होगी. ओके, डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा. सेकंड, तो आरबीआई इंक्रीजेज रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू लेंडिंग पॉलिसी, लोन और क्रेडिट बिकम्स एक्सपेंसिव विच स्टॉप्स अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बेटिंग इन्वेस्टमेंट. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. ओके, व्हेनेवर आरबीआई फाउंड दैट देयर इज अ प्राइस राइज और इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमिक, सो आरबीआई इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट और लेंडिंग रेट्स. ओके, सो लोन और क्रेडिट बिकम वेरी एक्सपेंसिव एंड विच इट्स अननेसेसरी स्टॉप द कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बेटिंग इन्वेस्टमेंट. ओके, ऑन द अदर हैंड सेविंग टेंडेंसी ऑफ द पीपल इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज देर इज इंक्रीज इन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेविंग. गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई की लैंडिंग रेट को इंक्रीज करेगी, सामने जो सेविंग डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट, उस पर इंटरेस्ट है वो इंक्रीज करेगी, तो ज़्यादा लोग है वो सेविंग करेंगे. ओके, अपना जो रूपी है उसको क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेगी, और डिफरेंट सेविंग से वो लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. ओके, दिस विल रिड्यूस बेटिंग स्पेक्यूलेशन होल्डिंग एंड अदर प्रॉफिटेरिंग एक्टिविटी. ओके, सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बैंक रेंट कमर्शियल बैंक्स हैव टू इंक्रीज लैंडिंग रेट. ओके, ऑल ऑफ दिस इज अ वेरी ओल्ड इंफॉर्मेशन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. टूडे गवर्नमेंट लैंडिंग रेट और मोस्ट ऑफ बैंक्स कमर्शियल बैंक्स लैंडिंग रेट इज डिसाइड ओनली आफ्टर द रेपो रेट, नॉट अ बैंक रेट. ओके, एंड द सिस्टम विच इज गवर्नमेंट फॉलो इज अ एक्सटर्नल बेंचमार्क सिस्टम. ऑन द बेस ऑफ दिस सिस्टम
कमर्शियल बैंक लेंड्स टू देयर कस्टमर. ओके, सो वेन एवर गवर्नमेंट फाउंड इन्फ्लेशन और आरबीआई फाउंड इन्फ्लेशन, सो दे डायरेक्टली इंक्रीज द रेपो रेट एंड ऑल अदर लैंडिंग रेट विल रिफ्लेक्ट आफ्टर द रेपो रेट. सो दैट्स वाई द प्रपोर्शन ऑफ लैंडिंग विल डिक्रीज. ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सेस मनी इज स्ट्रेच फ्रॉम रेटिंग एंड कम्स बैक टू द इकोनॉमी इन फॉर्म ऑफ सेविंग. ओके, गवर्नमेंट क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट और सेविंग रेट प्रीफर करती है, तो इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा मनी है बेटिंग से और जहाँ से है वो भी सेविंग्स में आ जाएगी और मनी सर्कुलेशन होती रहेगी. न्यू फील्ड ऑफ बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट आर ओपन. नेक्स्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन रिजर्व फंड्स ऑफ बैंक्स, ब्रांच ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर कंट्रोल, डिक्रीज इन लैंडिंग इज देयर. ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन रिजर्व फंड्स ऑफ बैंक्स मीन्स वॉट, सपोज वी हैव सीन दिस CRR और SLR, अमाउंट ऑफ दिस CRR और SLR इज नोन एज अ रिजर्व फंड. ओके, मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ रूपी हैव टू रिजर्व बाय द कमर्शियल बैंक इन टर्म्स ऑफ RBI और फ्रॉम देम सेल्स. ओके, सो द रिजर्व फंड ऑफ बैंक विल इंक्रीज. ओके, ब्रांच ऑफ कमर्शियल बैंक आर कंट्रोल एंड दिस इज एंड द डिक्रीज इन लैंडिंग इज देयर. लास्ट पॉइंट, बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक इज रिड्यूस. ओके, वॉट गवर्नमेंट विल डू, सो जब भी गवर्नमेंट को रुपीज चाहिए तो वो क्या करेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है GSEC. ओके, उसको क्या करेगी, RBI को प्रिंट करके देगी, बोलेगी कि RBI आप उसको ओपन मार्केट में सेल करो और सामने RBI उसको जितने पैसे हो उतने देगी. सपोज गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की GSEC है. ओके, वो प्रिंट की तो 100 करोड़ है वो RBI गवर्नमेंट को देगी और जो RBI जो 100 करोड़ की सिक्योरिटी है उसको ओपन मार्केट में सेल करेगी. और सपोज 30 करोड़ की GSEC की सेल हुई तो बाकी की 70 करोड़ की है वो RBI उसको परचेज करेगी. ओके, इससे क्या होगा, तो कमर्शियल बैंक का जो बर्डन है वो रिड्यूस होगा. ओके, और जो मनी सप्लाई है वो लोगों के हाथ में क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी. और जो एक्सपेंसिव थिंग्स है उस पर वो लोग है वो क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव थिंग्स पे वो एक्सपेंडिचर करेंगे नहीं, और इससे प्राइस रेट वो कंट्रोल होगा. नेक्स्ट इज अ फिजल पॉलिसी. ओके, नेक्स्ट इज अ फिजल मेजर. ओके, इन फिजल पॉलिसी गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी इज टू कंट्रोल पब्लिक एक्सपेंडिचर. ओके, Raising revenue taxation and public loan policy. Okay, what is included in government fiscal measures? So first is public expenditure, second rising revenue taxation and third public loan policy. First of all public expenditure कम करो, second revenue increase करो और उसी revenue से लोगों की loan policy loan दो. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंट्रोल द प्राइज राइज इज गवर्नमेंट शुड डिक्रीज इट्स ओन एक्सपेंडिचर एज मच एज पॉसिबल. बाय विच वे, सो रिडक्शन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री, इफ गवर्नमेंट रिड्यूस देयर ओन एक्सपेंडिचर इट विल ऑल्सो डिक्रीज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री. ओके, गवर्नमेंट शुड पोस्टपोन द प्लान. ओके, इन विच दे इन्वॉल्व द हाई अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड मीन्स जो भी प्लान है उसमें एक्सपेंडिचर हाई है उसको अभी इम्पोज लागू मत करो, उसको क्या थोड़ा पोस्टपोन कर दो. इट रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर एंड अनयूजफुल एक्सपेंडिचर. ओके, फर्स्ट थिंग्स इज वॉट, गवर्नमेंट को अपना जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट शुड डिक्रीज देयर ओन एक्सपेंडिचर. ओके, नेक्स्ट सेकंड इज अ टैक्सेशन पॉलिसी मीन्स वेन एवर
गवर्नमेंट फाउंड देर इज अ सडन प्राइस राइज इन इकोनॉमी, सो अंडर दिस टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट इंक्रीज ऑल द टैक्स इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, कंपनी टैक्स नॉट बट अदर नेम ऑफ कंपनी इज अ कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आर रेज्ड, ओके, सो एक्सपोर्ट इज कंट्रोल एंड द मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच इज प्रोड्यूस इन अवर कंट्री इज ओनली अवेलेबल इन अवर कंट्री, सो इट विल जनरेटेड हाई अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड थिंग्स इज ऑल्सो रिड्यूस, ओके, एंड लास्ट एंड थर्ड इज अ वर्ड पब्लिक लोन पॉलिसी, सो अंडर दिस पब्लिक लोन पॉलिसी गवर्नमेंट ट्राइज टू लिमिट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी बाय इश्यूइंग लोन और ब्रिंगिंग स्कीम लाइक कंपल्सरी सेविंग प्लान, ओके, गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो सपोज कोई पर्सन है वो 100 रुपीज क्या है सेविंग करेगा तो गवर्नमेंट उस पर भी आपको लोन देगी. पीपल टू मेक सेविंग्स रिड्यूस द रेट ऑफ अ पब्लिक डेब्ट, ओके, वेन द पीपल विल स्टार्टेड टू मेक सेविंग देन द गवर्नमेंट विल द गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट विल रिड्यूस एंड दिस विल ऑल्सो डिक्रीज द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट टू गिविंग अ सब्सिडी एंड इट इंक्रीज द प्रोपोर्शन एंड कवरेज ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स, ओके, वेन द सब्सिडी द बर्डन ऑफ सब्सिडी विल डिक्रीज देन वॉट विल हैपन, सो द टैक्स अमाउंट द अमाउंट ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्स विल इंक्रीज इम्पोजिज हैवी टैक्स ऑन गुड्स यूज बाई रिच पीपल, सपोज सिगार है, सिगार आपने कई सारी मूवी में देखी होगी, सिगार है, ओके, वो आप खरीदो तो भी उस पर हाई टैक्स लगता है क्योंकि वो सब रिच पीपल यूज करते हैं, तो यही बोला है कि जो रिच पीपल जो थिंग्स यूज करते हैं, ओके, लग्जरीज आइटम उस पर हाई टैक्स इम्पोज करो बिकॉज ऑफ विच उसका जो प्रोडक्शन है वो सिंक होगा, डिक्रीज होगा, ओके, सो गवर्नमेंट इज बिलीविंग दैट बिकॉज ऑफ दिस थ्री स्टेप, फर्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिडक्शन, सेकंड इंक्रीज टैक्सेशन एंड थर्ड पब्लिक लोन पॉलिसी, डेफिनेटली द प्राइस विल ऑटोमेटिकली कंट्रोल, ओके, सो दिस थ्री यू हैव टू रिमेंबर, ओके, व्हाट इज पब्लिक लोन पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ऑल्सो गिवन इन अ डार्क कलर और हाईलाइटेड कलर, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. थर्ड इज कंट्रोल ऑन अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू सी दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिहाइंड अनयूजफुल एंड लग्जरी आइटम रिड्यूस लाइसेंस और परमिट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड एंड गवर्नमेंट एनकरेज सच टाइप ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन विच द प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीज, ओके, वॉट दे वॉन्ट टू से इज जब भी गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर करे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस पर नहीं करना चाहिए अनयूजफुल और लग्जरीज आइटम के पीछे, ओके, इससे क्या होगा कि जो लग्जरीज आइटम है उसका प्रोडक्शन है वो कम होगा और जो यूजफुल है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा. बेटिंग ओरिएंटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस, ओके, जो लोग सट्टा खेलते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी डिक्रीज होगा और प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स इंक्रीज. व्हाट इज एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट वी विल डिस्कस इन अ फिफ्थ पॉइंट हियर, एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955, ओके, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीजेज सच इंक्रीजिंग स्टेप्स शुड बी टेकन वेयर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, सेविंग इंस्टिंक्ट इज इंकरेज सो दैट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज सच टाइप ऑफ एफर्ट हैव टू बी अंडर टेकर. जब भी क्या बोलते हैं कि जब भी इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो तभी ये टाइप की एक्टिविटी करनी चाहिए, व्हाट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज क्या करो, जो भी अनयूजफुल और लग्जरियस आइटम पे जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको रिड्यूस करो,
इससे क्या होगा कि इसका जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और बैटिंग ओरिएंटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो रिड्यूस होगा। इससे क्या होगा कि एसेंशियल गुड्स है वो इंक्रीज होगी। ओके नेक्स्ट, प्राइस रेगुलेशन एंड रेशनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS। ओके लास्ट ईयर दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन, वॉट डू यू मीन बाई PDS और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके वन ऑफ द स्टेप इसलिए बोला है कि ये कंटिन्यूसली आप पॉवर्टी को रिमूव करना चाहते हो तो आप PDS पे डिफाइन नहीं हो सकते हो। ओके PDS मीन्स एक गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, पुअर पीपल को हेल्प करती है PDS थ्रू सिस्टम के थ्रू। ओके दैट्स व्हाई दे रिटर्न वन ऑफ द स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस राइज इज अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया सिंस 1977। ओके 1977 से इम्प्लीमेंटेड है। वॉट वॉज द पर्पज और मोटिव ऑफ दिस PDS सिस्टम? सो द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ लो इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ओके और पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके और BPL फैमिली, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव अ लो इनकम ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी और BPL पीपल एसेंशियल कॉमोडिटीज एज अ रीजनेबल प्राइजेस फ्रॉम द फेयर। सो अब गवर्नमेंट PDS सिस्टम में क्या करती है, जो एसेंशियल कॉमोडिटी है ओके उसको फेयर प्राइस शॉप पे वेरी लो प्राइस में अवेलेबल कराती है। मीन्स कि 2 रुपीज पर kg वीट एंड 3 रुपीज kg राइस। ओके सो ये एसेंशियल कॉमोडिटी। एसेंशियल कॉमोडिटी मीन्स क्या, ऐसी कॉमोडिटी जिसकी रिक्वायरमेंट सबको होती है। एसेंशियल मीन्स जरूरी, बहुत जरूरी है। ओके और ये कंट्रोल कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट। टुडे अप्रोक्सीमेटली 4.92 लाख फेयर प्राइस शॉप्स आर देयर इन ऑल ओवर इंडिया। 4.92 लाख फेयर प्राइस शॉप्स आर देयर। ओके प्राइजेज एट दिस शॉप्स आर लेस इन कंपेरिजन टू द प्राइजेज इन ओपन मार्केट। जो ओपन मार्केट में शॉप होती है उसमें आप लेने जाओ, उसमें जो प्राइस होती है इससे यहाँ पर कम होती है, बिकॉज गवर्नमेंट प्रोक्योर ऑल दिस थिंग्स। ओके एंड गवर्नमेंट ऑल्सो पे द सब्सिडी टू दिस ओनर ऑफ द शॉप। गवर्नमेंट पेज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइज एंड रेट ऑफ आइटम्स एट अ फेयर प्राइस शॉप एंड इनडायरेक्ट टर्म यू कैन से सब्सिडी। ओके दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड बिकम अ बून फॉर मेंटेनिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। बून मीन्स एक वरदान के रूप में है, जो बहुत ही गरीब लोग है उसको डेली नीड्स के लिए। ओके एंड दिस ऑल्सो रिड्यूस द आर्टिफिशियल स्कैरसिटी होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। ओके लास्ट लाइन हियर रिटन इज द सक्सेस ऑफ दिस सिस्टम इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेटिंग अप ऑफ एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म। ओके व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू इज सेटअप इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर द अवेलेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिक्वायर क्वान्टिटी ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटी एंड ऑनेस्टी एंड नेचर ऑफ द शॉप कीपर। ये सिस्टम कभी सक्सेस होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करनी है, जो कि हो चुकी है। ओके सेकंड, जो शॉप कीपर है उसको जो नेचर है उसका ऑनेस्ट होना चाहिए। ओके तो बहुत ईजी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स वॉट, कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, तो लो इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी और पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन उसको क्या करेगी कि एसेंशियल कॉमोडिटी है वो रीजनेबल प्राइस से फेयर प्राइस शॉप पे अवेलेबल कराएगी, और जो ओपन मार्केट में जो प्राइस होती है उससे इसकी प्राइस बहुत कम होती है। जो डिफरेंस होता है ओपन मार्केट की शॉप पे और जो फेयर प्राइस शॉप पे, जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट पे करेगी, उसको क्या बोलते हैं हम, सब्सिडी। फिफ्थ, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। लास्ट पॉइंट, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म। इससे क्या होगा, तो होल्डिंग और जो प्रॉफिटेयरिंग है ओके उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए,
एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म इज द बेस्ट टू टू प्रिवेंट होल्डिंग एंड टू मेंटेन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स एट रीजनेबल लेवल एंड टू एंश्योर देयर इजी अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट फिक्स द प्राइसेस ऑफ दिस कॉमोडिटी। देखो एडमिनिस्टर्ड का मीनिंग ही वही होता है क्या कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइस को कंट्रोल करे, होल्डिंग को रोकने के लिए और एसेंशियल गुड्स को रीजनेबल लेवल पे एंश्योर कराने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी को एंश्योर कराने के लिए गवर्नमेंट शुड फिक्स द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कॉमोडिटी। ओके एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो आस्क द ट्रेडर्स टू सेल द गुड्स एट द फिक्स्ड प्राइस। ओके नो फ्लक्चुएशन कैन बी सीन इन दिस पर्टिकुलर प्राइस। टू कीप प्राइस लेवल अंडर कंट्रोल द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955। ओके उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी तो जो एसेंशियल कॉमोडिटी की लिस्ट में जो गुड्स है उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी उसी प्राइस में उसको सेल करना है। ओके इन द ट्रेडर्स डज नॉट सेल गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट इट कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। ओके एसेंशियल कॉमोडिटी में जो गवर्नमेंट बोलेगी उसी प्राइस पे शॉपकीपर को सेल करना होगा, अगर वो नहीं करती है तो गवर्नमेंट प्रोसीडिंग होगी, उसको पेनल्टी भी लग सकती है। ओके गवर्नमेंट है वो होर्डर्स के खिलाफ ब्लैक मार्केटर्स स्पेक्यूलेशन के खिलाफ अंडर पासा एक्ट, ओके प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट उसके लीगल प्रोसीडिंग भी कर सकती है, उसका जो स्टॉक है उसको रेगुलेट करेगी। ओके उसका गोडाउन ट्रेडर्स उसकी जो डिस्प्ले है स्टॉक रजिस्टर की वो चेक करेगी, प्राइस रजिस्टर एंड उसके खिलाफ डिफरेंट टाइप्स की जो एक्शन है वो भी गवर्नमेंट लेगी। टिल रिसेंटली द प्राइस ऑफ ऑनियन राइस कॉटन सीमेंट एडिबल ऑयल पेट्रोल डीजल डोमेस्टिक गैस केरोसिन शुगर एल्यूमिनियम आयरन स्टील रेलवे वो सब है वो एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म के अंडर में कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। ओके इवन सम लाइफ सेविंग ड्रग्स, ओके ड्रग्स मीन्स जो मेडिसिन हम लेते हैं वो भी इस अंडर कंट्रोल में है जिसको गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है। ओके गवर्नमेंट को मानती है कि ये पांच स्टेप से क्या होगा कि प्राइस कंट्रोल में होगा। ओके इन दिस इज द एंड ऑफ अवर वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कंज्यूमर अवेयरनेस टॉपिक।